कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अष्टांग हृदयम का एक हिस्सा था, जिसमें आबोहवा, तासीर, रहने वाला स्थान, उसका महत्व, वहाँ की मिट्टी, उसका महत्व वगैरह वगैरह। अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूँ। भागवत जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है। ये आपने कई बार सुना होगा, आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। और भागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती, मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे, उसमें सफलता मिले ना मिले, सफलता की बात नहीं कहते वो ये कहते हैं कि प्रयास करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो उसको मोक्ष होता है। माने इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें, दुखों से मतलब क्या, तो भागवत जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में हैं, मनुष्य को भी हैं, हरेक को हैं। एक तो दैहिक दुख, शरीर का दुख, दैहिक दुख। दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है। भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया, अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, धरती कंप आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख। और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो वो भागवत जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है। अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा। भागवत जी कहते हैं कि कोई सदगृहस्थ व्यक्ति है, वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बेहतर है, भले ही वो सदगृहस्थ है। और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय भागवत जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि भागवत जी की परिभाषा में गृहस्थी होना, माने सदगृहस्थ होना, ज्यादा बड़ी बात है। वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है, समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगें, भले प्रयास आपका सफल हो ना हो, सफलता की बात वो नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है।
ये है उनका सूत्र। यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है दैहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है दैविक दुख भगवान का, और तीसरा है भौतिक दुख। तो आपसे भौतिक दुख की बात करना मैं समझता हूं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको भौतिक दुख तो मैं मानता हूं नहीं ही है, तो उस पर समय खराब करने से ज्यादा फायदा नहीं। आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा। आपका शरीर, शरीर का दुख दूर कैसे करें? तो भागवत जी का सूत्र है, वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेट। ये जो पेट है, शरीर का मध्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है। अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें तो 90% दुख पेट से है, 10% दुख है जो पेट के बाहर से है। पेट के बाहर से माने घुटनों से हो सकता है, एड़ियों से हो सकता है, जंघाओं से हो सकता है, या हृदय स्थान से हो सकता है, मस्तिष्क से हो सकता है। इसको आज की भाषा में अगर मैं कहूं, 90% बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई हैं, 90%। 10% बीमारियां हैं जो पेट के बाहर की हैं। उन 10% में हार्ट अटैक आ गया, उन 10% में पैरालिसिस आ गया, उन 10% में अर्धांग वायु, पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है वो आ गया, एपिलेप्सी आ गई, वगैरह वगैरह, मस्तिष्क की ढेरों बीमारियां 10% में ही है बाकी। इस बात को फिर ध्यान दीजिए। पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी कि जिंदगी की बीमारियों में 85% ऐसी हैं जिनको आप खुद ठीक कर सकते, मात्र 15% हैं जिनमें विशेषज्ञ की जरूरत है। अब भागवत जी की दूसरी महत्व की बात हमेशा याद रखिए कि जितनी बीमारियां हैं उनमें 90% पेट से हैं, 10% पेट के बाहर से हैं। और उन 10% में एक्सीडेंट भी शामिल है, आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है, पैरालिसिस भी शामिल है, हार्ट अटैक भी शामिल है, वगैरह वगैरह, बाकी सब पेट से है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए और आपको दुख से बचाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके पेट का रखना है। तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें, उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है। ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा, माने 90% बीमारियां नहीं होंगी। और ये 90% बीमारियों की संख्या अगर गिनूं तो 148 है। माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और भागवत जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। वो अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्व का है। तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने, वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आज के जो सूत्र हैं वो जिंदगी का फंक्शनल हिस्सा है। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसका एक हाइपोथेसिस होता है और उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र भागवत जी का, भागवत जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्व के हैं, सभी महत्व के। उन 7000 में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्व के हैं। हो सकता है 3500 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्व के हों और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्व के ना हों, क्योंकि भागवत जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे हैं वो ऋषि मुनियों की जीवन शैली है। आपकी जीवन शैली और ऋषि मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है। तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनको मैं महत्व का क्रम देता हूँ, उसमें सबसे पहला सूत्र, संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिंदगी भर आपका अच्छा रहे, दुरुस्त रहे। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे।
वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। आपने खाने को खाया ये इतना महत्व नहीं है, जिसको आपने खाया उसको पचाया ये ज्यादा महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर्य मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। तो खाया वो महत्व का, उससे भी ज्यादा महत्व का खाया हुआ पचाया। तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे, इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विषमवारी। ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से पहला सूत्र भोजनांते विषमवारी। इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है भोजन अंते, भोजनांते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है। भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजनांते विषमवारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, विष के जैसा है, ये सूत्र है। अब इसको थोड़ा व्याख्यायित करता हूं ताकि समझ में आए। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है ये बात वो कह रहे हैं, इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। भागवत जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर, संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, जठर आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। तो ये जो जठर स्थान है भागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि, जठर अग्नि जठराग्नि। तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर स्थान है इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है, आमाशय में इकट्ठा होता है, वहां अग्नि प्रदीप्त होती है, वो अग्नि भोजन का पाचन करती है। ये है महत्व की बात। अब अग्नि प्रदीप्त हुई, आपने भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई, और भागवत जी इसके लिए एक सुंदर श्लोक लिखा है, लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं। वो ये कहते हैं कि खाते ही अग्नि प्रदीप्त होती है, ऐसे ही जैसे आप बिजली के स्विच को ऑन करते ही लाइट जलती है, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप होती है। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में। तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई, अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा, तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा, जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि आपने जैसे ही भोजन किया अग्नि प्रदीप्त हुई, अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गट 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 गट, तो क्या हुआ, अग्नि शांत हो जाएगी। आपके रसोई गैस में चूल्हा जल रहा है गैस का और जलते हुए चूल्हे पर पानी फेंकिए तो बुझ जाएगा, अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है। तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है, अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो ये जो पानी गया इसने अग्नि को शांत कर दिया। अब अग्नि शांत हो गई तो फिर भागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अब उन्होंने बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा। मैं सड़ने वाले हिस्से की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, वायु वायु, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी।
और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी, फिर और ज़्यादा तीव्र अगर ये हो गई वायु तो ये शरीर में जाएगी, घूमेगी, क्योंकि वायु को पकड़ना मुश्किल है, जहाँ स्थान मिलता है वहीं जाती है, तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी, तो सिर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पे भयंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से भागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे। 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मूड़व्याध, भगंदर, ये सब रोगों की सूची है। और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग, 103वें नंबर पर उन्होंने लिखा है कर्क रोग, माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायु पैदा हो और वो वायु आपके सड़े हुए भोजन में से निकले, और बाद में बागभट्टी जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पर ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, बागवट जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो आपको हानि पहुंचाता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो भागवत जी कहते हैं कि ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है। इसका माने जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं, माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं, ये है सूत्र। अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना, पहला ही प्रश्न। तो भागवत जी कहते हैं कि पानी कब पीना, वो खुद ही उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में, क्योंकि शायद मालूम है कि मनुष्य की जिज्ञासाएं होने ही वाली है। तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजनांते विषमवारी, कि भोजन के अंत में पानी मत पियो, अगले ही सूत्र में वो कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। अब ये जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है, ये भागवत जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है, 1.5 घंटे तक। और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अग्नि है, जठर अग्नि, वहां 4 घंटे तक अग्नि का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर में, मनुष्य शरीर में 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने बताया। और 1 से 1.5 घंटे का वो बताया है तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जैसे आप दक्षिण भारत में हैं, कोई उत्तर भारत में है, कोई पूर्वी भारत में है। अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर 2 से 2.5 घंटे रहेगा, पहाड़ वाला, लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा। तो वो कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे पेट में अग्नि का प्रभाव है, जब तक अग्नि का प्रभाव है पानी मत पियो, क्योंकि पानी पीते ही अग्नि बुझेगी, अग्नि का काम है भोजन को पचाना, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो 103 रोग पैदा करेगा। तो सीधा सा दूसरा सूत्र है कि भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, ठीक है। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना।
भागवत जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है। वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक घंटा। आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं, 9 बजे से लेकर 9:20 तक। और बीच में पीना कि नहीं, तो इसके लिए बागवट जी कहते हैं, ये बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है, बहुत साइंटिफिक है। वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न हैं, दो अन्न माने एक रोटी खा रहे हैं आप, वो गेहूं है, और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं दो अन्न है। तो और सामान्य रूप से आप सभी के भोजन में शायद दो ही अन्न होते हैं, इसलिए मैं ये सूत्र कह रहा हूं, ये एक अन्न वालों के लिए नहीं है, दो अन्न वालों, जो दो अन्न खाते हैं भोजन में उनको एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना। मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना, लेकिन मात्रा कितनी? तो वो कहते हैं 2 या 3 घूंट, इतना ही। उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए। अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा 1-2 घूंट और पी लेना, गला साफ करने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है वो, गला साफ करने के लिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना, फिर पानी तो नहीं पीना, 1.5 घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो भागवत जी ने 3 चीजें बताई हैं, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम, तक्रम माने यही है लगभग, छाछ मट्ठा के आसपास की चीज तक्रम। वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाषा दी है कि दही को खूब अच्छे से मथने के बाद उसका मक्खन जो निकल गया, तो मक्खन निकाल कर जो बचा वो तक्रम, मक्खन रह गया तो वो लस्सी, लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, तक्रम की बात है। तो आप भोजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं वो है छाछ, वो है मट्ठा। मट्ठा शब्द एकदम अच्छा है, हिंदी का शब्द है, शायद आप सब समझते हैं, गुजराती हैं तो छाछ आप अच्छे से समझते हैं। तो छाछ पिए हैं या मट्ठा पिए, ये सबसे अच्छी चीज। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, दूध दूसरी सबसे अच्छी चीज। और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस, कोई भी फल का रस, लेकिन वो कह रहे हैं मौसमी फल का रस, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा, आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिए, थोड़े दिन के बाद संतरे के रस का मौसम आ जाएगा तो संतरे के रस का। भागवती जी कहते हैं कि जो चीज प्रकृति ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई हो उसका रस। तो आप ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा। वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है, और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया, एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किए तब आपको ये प्रकृति के साथ उसने रखा है। तो प्रकृति में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस, जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट। इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते हैं। जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं, संतरे का, जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है। अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है। भागवत जी कहते हैं मट्ठा या छाछ कब पीना, दूध कब पीना, रस कब पीना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत जोर देकर यह कहा है कि मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना, सामान्य लोगों के लिए, असामान्य लोगों के लिए बाद में बताऊंगा, जो सामान्य लोग हैं आपके मेरे जैसे, मट्ठा हमेशा दोपहर के भोजन के बाद ही पीना।
और दूध हमेशा रात के भोजन के बाद ही पीना। दूध माने शाम को 6-7 बजे के भोजन के बाद ही पीना, और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना। सुबह का भोजन माने नाश्ता। भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे। तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, और रात के भोजन के बाद दूध। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी। मैंने सुबह के भोजन के बाद दूध पी लिया, रात के भोजन में जूस पी लिया या मट्ठा पी लिया, वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना। क्यों नहीं करना? तो आगे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो ये है बहुत महत्व का कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में। इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, या सूर्यास्त के समय ही उनकी उत्पत्ति शुरू होती है। और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं। इसलिए आप नियम बना लो, ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मट्ठा छाछ, और डिनर में दूध। बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम। अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पीकर भेजो या पिलाकर भेजो। और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं, आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ। तो अब तक आपने बच्चों को दूध पीने की आदत डाली है, आज से माफी मांग लो कि गलती हो गई हमसे, अब हम आपको चाहते हैं कि आप जूस पी के जाओ। क्यों जाओ? तो उनको ये बात समझाओ, शायद समझ जाएं वो भी। समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा। सुबह के नाश्ते के बाद जूस पीना, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा, रात के भोजन के बाद दूध, ये सूत्र है। अभी इसके आगे का सूत्र, भागवत जी कहते हैं कि आप खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए, क्योंकि जठर के अग्नि के प्रभाव में खाना 1.5 घंटे तक रहता है। तो पानी कैसे पिए, कैसे पिए पानी? तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं। लोटा मुंह से लगाया, गटगट गटगट उतार लिया, गिलास मुंह से लगाया, गटगट गटगट उतार लिया, क्या ये तरीका? तो भागवती जी कहते हैं नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने का। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, घूट भर भर के पानी पिए, सिप ले लेकर पानी पिए, ऐसा पानी पीने का नियम। जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना, भागवती जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं कि गर्म दूध आप जैसे पीते हैं एक एक सिप या चुस्की लेकर घूट भर के, ऐसे ही पानी पिए। अब ये क्यों, ये समझ लें। आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? मैं आपको एक महत्व की बात समझाना चाहता हूं, ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है, और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल एसिड। आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है, प्राकृतिक रूप से बनता है। अब पेट में तो अम्ल बनता है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुंह में क्षार बनता है, जिसको लार कहते हैं आप, लार, स्लाइवा, सेलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती है लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल। अम्ल और क्षार आपस में मिले तो न्यूट्रल होता है, माने सामान्य चीज बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं लवण। एक लवण होता है नमक, वो अलग है, केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूं। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं। अम्ल का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम है, और क्षार का मतलब है जिसका पीएच 7 के आगे है, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी, ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया।
और जिनका पेट पानी के जैसा, माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो भागवत जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज़्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है, बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए। अब आपके पेट में अम्ल बन रहा है, मुंह में लार बन रही है, अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है, और पानी एक साथ गटगट गटगट पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी। ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि अंदर पेट के अम्ल को शांत रखना है, इसके लिए क्षार है। तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी, इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोग के आराम से 100-150 साल हो जाएगी। इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए, और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, पेट को उस तरह से सामान्य अवस्था में नहीं ला पाएगा। हालांकि पानी भी अम्ल को कम करता है, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाओ तो अम्ल की ताकत कम होती जाती है, तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा। भागवत जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं, चिड़िया कैसे पानी पीती है, चिड़िया एक ड्रॉप उठाती है, आप ध्यान देना, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी। ऐसे कुत्ता है, पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा, ज़्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं, वो जानवर हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, किसी को डायबिटीज़ नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है, हाँ किसी को डायबिटीज़ नहीं, कोई ओवरवेट नहीं, किसी को जॉइंट्स पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं, बाघ भट्ट के पक्के चेले हैं ये सब जानवर, बिना बोले और बिना कहे। तो आप भी हो जाइए, भागवत जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चिड़िया पीती है, उसको मुंह में चिड़िया ऐसे ऐसे करती है ना, घुमाती है, तो आप भी पानी को थोड़ा घुमाइए फिर पी जाइए, थोड़ा पानी लीजिए मुंह में भरिए पीजिए, फिर पानी भरिए फिर भरिए फिर पीजिए, ताकि इधर उधर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए। अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं, माने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले, भागवत जी को मैंने 6 साल पहले पढ़ना शुरू किया, 3 साल पढ़ने में लग गया और 3 साल समझने में लग गया। तो 6 साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था, मैंने कहा यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत, मैंने कहा तुम करके देख लो, भागवत कह रहे गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना शुरू। ये 2 सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए। एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, 140 किलो का था वो, और 1.25 साल हो गया, लगभग अभी 1.5 साल है, अब 70 किलो का है, बिना कोई दवा खाए, बिना भोजन में कोई बदलाव किए, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना ये दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के, क्योंकि उसमें मेडिसिन है। तो मनुष्य की लार में भी है। अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते, जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको, थूकते ही रहते हैं थूकते ही रहते हैं, गुटखा खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं थूकते ही रहते। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को थूक रहे हैं, जिसको बनाने के लिए भगवान ने 1 लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं। आप जानते हैं ये लार पैदा होने में 1 लाख ग्रंथियों का काम होता है,
100,000 ग्रंथियां हैं जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं, और आप गुटखा खा खा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं, अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो भागवत जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं, जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तभी, बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें। तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खा खा के, गुटखा खा खा के थूक रहे हैं, तो ये थूकना नुकसानदायक है। गुटखा तो नुकसानदायक है ही, तंबाकू तो और भी नुकसानदायक है, उससे भी ज्यादा थूकना, तो मत थूकिए। तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं, तो पान खाने के लिए नियम बताया, बहुत माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन है भागवत जी। वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ, बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरज ही नहीं, क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है, कैल्शियम है, तो अंदर जाएगा, और वो कैल्शियम क्या क्या अद्भुत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं। तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कत्था है तो थूकना पड़ेगा, कत्थे बिना ही पान खाओ। माने हमारे पुराने पूर्वज और बुजुर्ग जो तंबाकू का नहीं, कत्थे का नहीं, सिर्फ चूना लगा के जो पान खाते हैं, वो बागवट के चेले सबके सब शिष्य उनके। तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है, जो मुंह में लार के साथ पान है वो अंदर ही जाए, क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है, एक वातनाशक है और दूसरा पित्तनाशक है, और कफ का भी नाश करता है। पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है, और चूना वात का नाश करता है। तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित है, तो पान खा के तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते, ये है। तो आपको पानी पीना है घुट घुट भर के, ताकि ज्यादा लार अंदर जाए, और पानी को बच्चों की तरह से मुंह में घुमाइए, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्रिया है, ठीक है। अब आगे चलता हूं, आगे का एक सूत्र है भागवत जी को आ कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए, पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही है ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूं। पानी जब भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें, उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पिए, माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पिए, माने गुनगुना पानी पिए। गुनगुना शब्द है, एक शब्द कोमबट, कोमबट शब्द गुजराती है नहीं, मराठी है शायद, हाँ, गुनगुना पानी पिए। नवसेका पानी कहते हैं राजस्थान में, नवसेका, हल्का गरम, हल्का गरम गुनगुना पानी पिए। कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए। तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रहता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है, तो ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा, क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। तो भागवत जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, और आधुनिक विज्ञान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूं। आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, कल्पना करिए, तो पानी क्या करेगा? पेट में जाएगा सीधा सीधा, और पेट को ठंडा बनाएगा। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना। बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया, अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो, अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में, तो शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो। और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास, यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया, तो आप ठंडे हुए, आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्यु आएगी। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है, तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा।
आपका जो जठर स्थान है ना, वो तुरंत उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी, तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा। थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है, उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी। मान लीजिए हृदय का रक्त पेट में चला गया, ब्रेन का रक्त पेट में आ गया, क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है, तो ब्रेन का सबसे पहले आता है, हृदय का उसके बाद आता है। दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया, तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई। और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है। और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो पैरालिसिस हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के, माने ठंडा पानी ना पिए। बागवत जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं। अमेरिका में, यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है 4-5 दिन, खूब ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं। परिणाम क्या देखा है मैंने? मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में, तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो 2-2 घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो, भाई क्या कर रहे थे 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? टॉयलेट रूम तो न्यूज़पेपर के लिए बनाया नहीं है। तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें। और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि तरह तरह की आवाजें निकालते हैं फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या। माने मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे, उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई, ऐसे रहना चाहिए उसको, वो हो गई संकुचित, ये ठंडे पानी का असर है। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी, इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए। अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं, तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो भी ठंडी है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कह देता हूं, वो बात वैसे आगे आएगी। बागवत जी कहते हैं कि 2 विरुद्ध चीजें एक साथ ना खाएं कभी भी, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में, बरातों में जाता हूं, तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे, सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं। इनविटेशन देकर बुलाएंगे, आओ हमारे यहाँ मेहमान बनकर, तो पहले गर्म खाना खाओ, पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ। ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। तो ये जो ठंडे होने की बात है, ये यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है, वैसे ये कल भी आने वाली है, परसों, सॉरी। तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें, कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, ठंडा पानी कभी ना पिए, भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सोकर उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए, ये है मतलब कहने का।
दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए। आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने और वैद्यों ने इसको कहा उषापान करें। उषापान माने सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए, दांत साफ करके सोइए, दंत मंजन करके सोइए, दातुन करके सोइए, उठते ही पानी पीजिए। क्यों? कारण पूछिए। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। भागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है, इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? तो उन्होंने 1 से 1.25 लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए, वयस्क माने 18 से 60 साल, 1 से 1.25 लीटर, और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 0.25 लीटर माने 750 ग्राम, और 60 के ऊपर वालों के लिए भी 750 ग्राम, 750 ग्राम, 750 ग्राम माने कम से कम 2 गिलास बुजुर्गों के लिए, 2 गिलास बच्चों के लिए, और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए। कम से कम इतना पानी पिए। पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके ही पीना है, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। तो मेरे पास ऐसे कुछ 8-10 पेशेंट हैं जिनको ऐसी ही कंडीशन है, डायबिटीज होने के कारण शरीर में फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, घाव बढ़ गया, वो भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया, भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे, और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। एक तो मेरे पास गैंग्रीन का पेशेंट है, गैंग्रीन हुआ, डॉक्टर कहता था पैर काटना ही पड़ेगा इसका, कुछ होता नहीं अभी, और कोई उसने बेचारे ने साल भर लार लगा लगा के ही अपना ठीक कर लिया। तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज्यादा होशियार, चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर। अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे, मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों, तो मैंने उनको भी सिखा दिया, देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से। तो बच्चों ने चालू कर दिया, बच्चे बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते। अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से। आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे, बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे, आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे। उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा, कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से। और एक बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारी है, अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में बहुत जलन होती है, जैसे खून उतर आया हो आंखों में, वो कंडीशन हो जाती है। कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे 3 से 4 दिन में ही बीमारी ठीक होती है, लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना, सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना, 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहाँ गई, 24 घंटे में ही ठीक होते हैं कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है 8 साल का है, उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसकी आंखें टेढ़ी हैं, वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है, उसको ऐसा है। अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते,
उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लगभग मुझे 4-4.5 महीना हो गया है और उसका टेढ़ापन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन, उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही। तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है, एक्चुअली इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उन्होंने कहा, भैया जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है। तो मैंने आपको बताया मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, लार में वो सब के सब हैं। इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है, इसको कभी नष्ट नहीं करना। इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं। और दो चार बातें बता दूं, क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया, जैसे जल गए, जलने का दाग होता है ना, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए, 6-8 महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए, जले हुए का धब्बा। शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया, एक्जिमा हो गया, मान लो खराब बीमारी की बात करूं, एक्जिमा हो गया, एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए, मालिश करते रहिए, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ। और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस, वो भी ठीक होती है इसी लार से। बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफ्त का इलाज है, फोकट का इलाज। बागवत जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए, घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए। तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराइए ना, तभी मोक्ष जाएंगे। तो मैंने आज आपको 4 सूत्र बताए, उनको फिर से रिपीट करता हूं। सूत्र बताना, ये 4 रिपीट करके खत्म, फिर प्रश्न। पहला सूत्र मैंने बताया था, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी ना पिए, लगभग 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था, पानी हमेशा घूट घूट भर के पिए, सिप सिप करके पानी पिए। तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी ना पिए, हमेशा गुनगुना पानी पिए। और चौथा सूत्र बताया था कि आप सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। ये चारों सूत्र बागभट्ट जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है। माने जिंदगी भर आपका पेट और आपकी जठर अग्नि काम करती रहे, इसके लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय। हाजी भाई, आपने कहा कि उषापान करना चाहिए, उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए, हाँ। कैसा भी देखिए उषापान। दूसरी बात, पान जो कहा आपने खाने के लिए, तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं, पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए। बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाए हैं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो। कसैला, कसैला स्वाद माने देशी पान, सीधी सी बात है, विलायती पान मत खाइए, देशी पान खाइए। तो स्वाद जितना कसैला होगा पान उतना अच्छा होगा। और बागवट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं 2-3 दिन बाद वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, जो प्रकृति की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना ज्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है, तो बागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए। तो गहरे रंग वाला पान खाइए, गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए, जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे रंग का, ये सब एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी अस्थमेटिक है। इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूव किया है। आज का विज्ञान ये कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए, माने कसैला, उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें सबसे ज्यादा चूना, तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी, 1 ग्राम।
एक ग्राम आप समझते हैं इतना होता है, चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना एक ग्राम होता है। चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिस्से हुए, ये दो हिस्से के चार कर दो और वो एक हिस्सा जो है वो एक ग्राम, तो उतना आप चूना लगाइए उस पर। फिर चूने के साथ क्या खाएं, आप उसमें सौंफ खाएं, सौंफ, सौंफ का नियम उन्होंने बता, सौंफ खाएं। दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें, अजवाइन दो चार दाने, ज्यादा नहीं, और वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग, और कहते हैं बड़ी इलायची, और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं, ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए, सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा, तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं, ठीक है। तो पान में क्या खाएं, दूसरा इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए, बागभट्टी जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए, जरूर गुनगुना। वो एक ही कंडीशन में कहते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए। क्यों, ये जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में, इसलिए ताम्र पात्र के पानी को सुबह गर्म करने की जरूरत नहीं, रात में आपने भर के रखा सुबह उठकर पी लिया। बाकी कोई भी पानी स्टील के बर्तन वाला है तो गुनगुना करिए, आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए, और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए, और तीसरा कोई, एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए, स्टील वेसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए, स्टील वेसल माने स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए। ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे पी सकते। आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं, तो जरूर पी सकते हैं, तीन महीने इसके आगे नहीं, ये आप जरा सोचिए ध्यान से। वो ये कहते हैं तीन महीने आप पी सकते हैं लगातार ताम्र पात्र का पानी, फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर तीन महीने पी सकते हैं, फिर 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर तीन महीने पी सकते हैं, ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं। लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। हां सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है। कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं, तो बागवट्टी जी ये कहते हैं कि तीन महीने लगातार पीजिए पूरे दिन, फिर उसके बाद 15-20 दिन ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन को दूसरा पानी पी, फिर आप वापस तीन महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्र पात्र का पानी पीने वाले उनके लिए ये नियम है, सुबह का तो ताम्र पात्र का ही सबसे अच्छा है जी। भोजन के बाद जो रस और मट्ठा पीने के लिए बताए थे आप, तो क्या ये आम्रदाई को शांति करेगी? हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। ये सवाल कुछ इस तरह का है कि मट्ठा है ना उसमें पानी ही है, आप जानते हैं शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है, और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब बागवट्टी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है, तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है, ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया, तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन बागवट्टी जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, ये बात ध्यान से समझिए, पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है, पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा, तो पानी का रंग गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं वो जहां मिल गया। तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में, तो फल के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे,
और पानी है दूध में, तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट, तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं, लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए। अब दही का गुण क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है दही में, क्योंकि जो वस्तु में भी चिकनाई आ गई, चिकनाई समझते हैं आप फैट, दही में भरपूर चिकनाई है, दूध से ज्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज्यादा चिकनाई मक्खन में है, और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में। तो भागवत जी कहते हैं कि जिस वस्तु में भी चिकनाई है वो अग्नि को और भड़काएगी। आप जो है ना घी डालते हैं यज्ञ में, तो अग्नि भड़कती है कि नहीं? ऐसे ही पेट में घी खाएंगे, दही खाएंगे, दूध पिएंगे, तो अग्नि और प्रदीप्त होती है, माने खाने को और जल्दी से पचाएगी। खाली पानी अग्नि को शांत करता है, लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अग्नि को प्रदीप्त करेगा, क्योंकि उसके गुण वस्तु के हिसाब से हो जाते हैं। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों, क्योंकि ये परसों आने वाला है। देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी बता दूं, कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि और प्रश्न के लिए उत्तर के लिए समय है। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, और बगल का तापमान मुंह का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है, लगभग 1 से 1.5 डिग्री। तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। अब आपने 40 डिग्री से ऊपर की कोई वस्तु खाई, जैसे चाय पी, तो वो 40 से ऊपर की ही है, कॉफी 40 से ऊपर की है, तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है, तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पर लाएगा, और उसके लिए एंटी रिएक्शन होता है, पानी को ठंडे से गर्म करेगा फिर गर्म से ठंडा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ऐसा कंफ्यूजन जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी, इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको 2-3 गियर चेंज करने पड़े, एक ही मिनट में टॉप गियर से फर्स्ट में आना पड़े, फर्स्ट से आपको टॉप गियर में जाना पड़े, तो कैसे चलेगी गाड़ी? झटका देगी, तकलीफ देगी। ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है, वो गर्म कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है, तब तक आपने आइसक्रीम खा के अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंत, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए, गर्म भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बर्फ आदि ना खाएं, और बर्फ आदि के साथ गर्म भोजन ना करें। आप जी, आपने पानी पीने का तरीका बताया कि सिप बाय सिप लेना, क्या उसका भी कोई तरीका है कि खड़े खड़े पानी पीना या बैठे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं कल बात करूं क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है। जी देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दूध को बागवट जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? बागवट जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, क्योंकि बागवट जी 3500 साल पहले हुए, ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। तो चाय कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है, माने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिक्र आता है। हाँ, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया, काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया है। वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काढ़ा। जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है,
शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज़्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पियेंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है जी। नहीं, गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। तो ये काढ़ा औषधि है। सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी, ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं, फिर गर्मियों के महीने, पित्त के महीने आ जाते हैं, फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है। तो ये वात पित्त कफ के महीने भी होते हैं, जैसे शरीर है वैसे महीने। तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं, वात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर। और गर्म काढ़ा सभी गर्म है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए। तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए, आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी भविष्य के लिए, और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी। क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है, रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, वो कचरा ही है। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपये किलो मिलती है। क्या भाव? 40 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो अर्जुन की छाल मिलती है, और 150 रुपये किलो चाय मिलती है, और 1400 रुपये किलो कॉफी मिलती है, और 20 रुपये किलो अर्जुन की छाल मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 20 रुपये किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है काकवी, काकवी आप समझते हैं। गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड़ होता है, तरल गुड़, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। तो या तो काकवी या तो गुड़, नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बागवट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी। 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है जी। जी मिश्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था, मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है। सौंठ है तो बहुत अच्छा है, सौंठ जो है अर्जुन छाल सौंठ अगर मिला के उपयोग करें तो सर्वोत्तम वातनाशक काढ़ा होता है, सर्वोत्तम।
अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का, तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं, कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूं, और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या, पित्त के क्या, कफ के क्या, ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब वात के रोग है। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत जन कहते हैं, तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद छाछ पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा? दाल चावल के साथ छाछ, दाल चावल खा लिया मैंने खाने में, उसके बाद खाने के बाद छाछ पीना चाहिए? देखिए तो इसमें सूत्र ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा, ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। द्विदल, द्विदल समझते हैं, एक दाल के जिसके दो, द्विदल के साथ दही का निषेध है। भागवत जी ने भी कहा है, महावीर स्वामी ने भी कहा है, गौतम ऋषि ने भी कहा, सबने कहा द्विदल के साथ दही का निषेध है। तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो द्विदल ही है, अरहर की खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, तो द्विदल है, तो द्विदल के साथ दही कैसा? तो उसके लिए बागवती जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है, ना खाएं, लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें, माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में, रसोई में तीन चीजें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं। एक तो है जीरा, जीरा, दूसरा है सेंधा या काला नमक, सेंधा या काला, ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं, सेंधा नमक या काला नमक। तीसरी है अजवाइन। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का, जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें फिर पी लें। अजवाइन, जीरे का बघार लेकर, बघार लेना तो आप समझते हैं ना बघार शब्द, तो बघार ले लें अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंधा नमक, फिर ताक पिए, माने मज्जिगे पिए, माने मट्ठा पिए। अदरक, अदरक की जगह सूंठ, दही में कभी भी अदरक उपयोग नहीं होता, सूंठ उपयोग होता है। अदरक और सूंठ में थोड़ा अंतर है, सूंठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूंठ का गुण अदरक से ज्यादा है। फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट, वैसे फ्रूट्स का बागवती जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा, माने नाश्ता ही फ्रूट का करें, जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए, तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया, प्रकृति के द्वारा पकाया गया, माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया। हाँ बिल्कुल, छाछ शरीर के लिए ठंडा करता है, तो बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी, दे सकते हैं बिल्कुल, अजवाइन डाल के बच्चों को, 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है। और अजवाइन पानी, पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, हर मौसम में पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं, आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं। सनबर्न, सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे, फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है। मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी ला के हम पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं? जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं है। ये जो फ्रिज का पानी है ये 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ये बहुत ठंडा है। बहनों और भाइयों,
महान ऋषि बाघभट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम पर आधारित स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों को आपने सुना। राजीव भाई ने स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, बिना दवा के, बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, ये आपने उनके व्याख्यानों में सुना। आइए अब हम इन व्याख्यानों के आधार पर और बाघभट्ट ऋषि के द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के आधार पर स्वदेशी चिकित्सा के शिविरों में भाग लें और स्वदेशी चिकित्सा के शिविरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित्त और अपने कफ के बारे में जानें और इन त्रिदोषों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसके बारे में जानें। इन स्वदेशी चिकित्सा शिविरों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने वात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारे प्रतिदिन के भोजन में, हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं, हम किस तरह का भोजन तैयार करें ताकि वो प्रकृति के आधार पर हो, इन त्रिदोषों के आधार पर हो, ताकि हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भाइयों और बहनों, आपने स्वदेशी चिकित्सा व्याख्यान सुना, स्वदेशी चिकित्सा के बारे में जाना। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी जन जन को, सभी अपने भाइयों को, सभी भारतीयों को स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बताएं और देश की सेवा करें। हम अपने यहाँ पर इस तरह के शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। हमको अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया करके हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9822520113, 9822520113।